हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आ गई है और उसने रेंज उठा ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो फोर फ्रंट में वो अपने आप को लेके आया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है। आई थिंक आई सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज। इंशाल्लाह मेरा रब उसको साथ देगा, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लीड करेगा, वो इस कौम को लीड करेगा और इस कौम का बहुत बड़ा वो सिपे सलार बनेगा। आसिफा सियासत अपने वालिद साहब के साथ बैठती है। I've heard that she's too good. What sort of relationship do you have with your brother? My brother, he is my father. मेरे वालिद के बाद अगर मैंने कभी किसी की इज्जत की तो उनकी इज्जत की। हमारा नारा एक ही है और वो नारा है जिए भुट्टो, जिए बेनजीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ ऐसी शख्सियत से जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बोला कि जनाब आप इलेक्शन लड़े। फरियाल तालपुर साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि कुछ आपके तल्ख सवालात होते हैं जो आप लोग चाहते हैं कि पूछे जाएँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब आपको मिल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। एक टाइम था कि घर में सारे मर्द जो थे वो अरेस्ट हो गए, और आप समझ नहीं है ना मैं कब की बात कर रहा हूँ। आसिफ जरदारी साहब जेल के अंदर, बाकी जो घर के सारे मर्द थे वो भी जेल के अंदर, और एक फाइटर खातून जो है वो जनाब निकलती है और सब कुछ फाइट आउट करती है। क्या व्हाट वाज द रीजन? कहां से सब द रीजन वाज बेनज़ीर बीबी, बीबी शहीद। अच्छा, इट वाज हर डिसीजन। अच्छा, डिसीजन उनका था। अच्छा, डिसीजन उनका ही था कि मुझे सियासत करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने देखा कि आई हैव द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू सो मच, तो शी सजेस्टेड कि आप सियासत करें और मेरा नाम उन्होंने ही लिया। इनफैक्ट उन्होंने परमिशन ली बाकायदा मेरे वालिद साहब से। अच्छा, मेरे शौहर से। जैसे कि हमारा एक ट्राइबल सिस्टम है, एक कल्चर है हमारा, उसी में बीबी ने मेरे दोनों जो मेरे इम्पोर्टेंट मेल्स थे जिनके साए असर में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनसे परमिशन ली। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने तो फौरन हाँ कर दी, बिकॉज माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज इनकरेज्ड मी इन एवरी फील्ड, चाहे वो मेरे घरेली फैमिली इश्यूज हो या मेरे एग्रीकल्चर हो, जिसमें उन्होंने पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं ज़मींदारी करूँ, सीखो ज़मींदारी, इनकरेज करते रहे। मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा खुदा ने दिया, उसने मेरी बड़ी मदद की हर चीज़ में। तो मेरे वालिद साहब से इजाज़त ली गई, मेरे भाई से इजाज़त ली गई, और बीबी के ये डिसीजन था कि आई शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। यस, तो सर डिसीजन माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे सिंध में आए ना, तो यहाँ पे लोग कहते हैं जनाब कि कोई काम ना अदी फरियाल के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बात है। फिर बेचारे ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं क्या कर रहे हैं? हर चीज मेरी मर्जी से होता है। नहीं देखिए, मैं तो आई लुक आफ्टर द पॉलिटिकल विंग ऑफ माय पार्टी एंड मेरा उस गवर्नमेंट इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड मैं अपने पार्टी के वर्करों के साथ या अपने MNAs, MPAs जो अगेन वर्कर कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ मिलकर काम करती हूँ। उनके इश्यूज़ होते हैं, उनकी बातें होती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, या बोर्ड में जब हम चूज़ करते हैं कि किसका कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, उस हवाले से मेरा बिल्कुल एक अप फ्रंट पोजिशन है, वहाँ मैं बिल्कुल उसमें हिस्सा लेती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट इश्यूज़ में मैं हिस्सा नहीं लेती हूँ, मेरी दिलचस्पी ही नहीं है उसमें। अगर कोई सच पूछे और सच जवाब लेने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, तो उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो शायद मैं खुद ही क्यों नहीं पार्टी से रिक्वेस्ट करती कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मैंने तो कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने तो कभी मिनिस्टरशिप के लिए भी, कभी किसी मिनिस्ट्री के लिए भी नहीं ऑप्ट किया कि मैं मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखती। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कभी ख्वाहिश ही नहीं रही। तो ये रिसेप्शन क्यों बनी हुई है मुझसे? हाँ। एक लड़की से
मुझे खुद कभी कभी इस बात पे अजब होता है और हंसी भी आती है कि हमारे पास माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड लोग हैं. हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी आई थिंक उनके आने से बहुत सिंध में तो बहुत अच्छा एक तासुर भी है और वो काम भी बहुत करते हैं. तो आई थिंक ये एक ख्याली या मेरी ऑपोजिशन को एक पॉइंट मिल गया जिसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं. क्या ये वजह तो नहीं है कि आप पार्टी को, पार्टी के अफेयर्स जो है, जैसे आपने कहा पार्टी के जो अफेयर्स हैं उनको लुक आफ्टर करती हैं, तो ऑब्वियसली लेग पुलिंग भी होती है, जेलिसीज भी होती हैं और इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत होती हैं. सो इनसिक्योरिटीज़ है ये सब कुछ, इस वजह से परसेप्शन आपकी ख़राब हो जाती है. एलिगेशन तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, आजकल तो फैशन हो गया जी एलिगेशन लगा दें किसी पर भी, आप खड़े होकर और कह दें. यू जस्ट कांट टॉक इन द एयर, एयर में बात कर देना, किसी को एक्यूज़ करना, हर चीज़ एक सिस्टम से जाती है. अच्छा आप कहती हैं तो मान जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं थोड़े दिन घूमा फिरा वहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जहाँ पे तो सबसे बड़ा टेरर जो है वो आप ही हैं. ओह अच्छा, मैं टेरर लग रही हूँ आपको? आई अ गर्ल, अ वुमन, अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन, अ टेरर ऐसी, मैं तो एक अदना कारकुन. ग्रैंड अलायंस वाले क्यों डरते हैं? ग्रैंड अलायंस ही बनते रहे. ग्रैंड अलायंस पीपल्स पार्टी के लिए कब नहीं बने, हर वक्त ग्रैंड अलायंसेस बने और फर्द जो है वो आगे आए, जान सादिक अली हो या अरबाब साहब हो, जो भी है, देयर हैव बीन पीपल लाइक दैट, एक एक वोट वाले जो आगे आए हैं, जिन लोगों ने सोचा कि जी हम सिंध को कैप्चर कर लेंगे. लेकिन सिंध की अवाम जो है ना वो इस वक्त बहुत होशियार है और सिंध की अवाम जो है उसको मालूम है कि मुझे अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो उस बंदे की मेरिट क्या है, वो बंदा काम क्या करता है, वो परफॉर्म क्या करता है. ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, हम आरे एमएनएज हों या एमपीएज हों या हमारे पार्टी अहदेदारान हों, सब रबते में है लोगों के आना है, किसी की गमी है, किसी की खुशी है, किसी का कोई काम है, तो ये एक इंटरलिंक्ड है सब. यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने डाली है, और बेस इज़ हमारा वर्कर और वो हमारा मजबूत है. हमारी फाउंडेशंस, हमारी लोग, हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखना एक फैमिली है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ फैमिली, इट्स नॉट इंडिविजुअल्स. जब डाइन आउट हो रहे थे जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने कहा था ये नवाज शरीफ साहब को कि आप चार साल हुकूमत कीजिए, आखिरी साल सियासत हम करेंगे. तो आखिरी साल तो आ गया है इलेक्शन से पहले. जी देखिए जी, ये सिस्टम था डेमोक्रेसी का, हमने हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट किया. बीबी ने हमेशा किया कहा है कि द बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी. हमने डेमोक्रेसी की खातिर और इस सिस्टम के चलने की खातिर कि ये सिस्टम चले, ये सिस्टम डिरेल नहीं करे, हम उस पार्टी में से नहीं है जो खड़े होकर विदाउट थॉट विदाउट सोच जी चले जाएं, घर जाएं और खड़े होकर किसी ट्रॉलर पे चीखें चिल्लाएं. वी नॉट, वी डोंट डू सियासत लाइक दैट. हमारी सियासत जो है वो सोच पे है, बुनियादी इश्यूज पे है. अगर हमने कभी क्रिटिसाइज़ किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो इश्यूज़ पे किया. उस वक्त भी हमारी यही थी कि भाई आप अगर सही हुकूमत चलाएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए. आपका मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है और काश कोई समझे कि ये मुल्क कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए. अब आप जब टेलीविज़न पे इमिग्रेंट्स का हाल देखते हैं, जब सीरियंस का हाल देखते हैं, लोगों का हाल देखते हैं, तो रोने का दिल चाहता है. हमें तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खुदा ने ये मुल्क दिया है और इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क के लिए वी शुड बी पाकिस्तानीज. वी शुड स्टॉप लिबरेटिंग आवर सेल्फ एंड स्टॉप थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ कि जी मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं कुछ हूँ. मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ और इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की खातिर के लिए और इस सिस्टम को चलने के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये प्रमोट किया कि जी आप सिस्टम चलाएं, हम सपोर्ट करेंगे. लेकिन जब आपके इश्यूज गलत होंगे और आप इस सिस्टम को नहीं चला सकेंगे और जब मुल्क में आप वो इश्यूज जो हम रेस कर रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, उनको आप किसी तरह फाइनलाइज नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी विल देन अपोज, देन पीपल्स पार्टी विल कम आउट एज अ पोलिटिकल पार्टी ऑफ ऑपोजिशन. एंड आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन करना जानती है. वर्कर शहीद हुए, कोड़े लगे लोगों को, लोग बाहर निकले और फिर लीडरों की भी शहादत हुई. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना दिया है इस मुल्क को, खून दिया, जाने दी, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आई एम सॉरी, आई डोंट सी एनी पार्टी
जिसने इतना कुछ अपना गवाया हो सिर्फ इस मुल्क की बका के लिए। डोंट यू थिंक कि पीपल्स पार्टी ने बहुत लूज किया एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, कि पंजाब में तो वो सारा जो था वैक्यूम था, क्योंकि आप लोगों ने कहा 4 साल हम आप हुकूमत कीजिए, हम आखिरी साल सियासत करेंगे, तो वो जो 4 साल का अरसा था उसमें तो मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने वो वैक्यूम जो आप लोगों ने छोड़ा था उसको ओवरकम कर लिया और अब आपकी पोजीशन जो है पंजाब में ऐसा वो नहीं लग रहा था। हम तो ये सोचते कि हमने उनको इसलिए सपोर्ट किया कि हम एक सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। यस, पीपल्स पार्टी अब बाहर आई है इसी थॉट की वजह से और काम कर रही है। हमारे सरदारी साहब जो है, माय ब्रदर इज इन पंजाब एज वी स्पीक नाउ, बिलावल भुट्टो सरदारी इज आल्सो इन द फील्ड नाउ एंड वर्किंग वेरी हार्ड, और पंजाब का वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज है इस वक्त, एंड वी विल कम आउट ऑफ दिस। देखें जी, 1997 में भी तो 16 सीटें थी ना, डू यू रिमेंबर करेक्टली, वी हैड 16। Then in 2002 we had a general election, जिसमें हमारी 80 seats हो गई, सीटें बढ़ गई। उस वक्त बीबी भी नहीं थी यहाँ और माई ब्रदर वॉज इन जेल, सो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी केम आउट ऑफ दैट एंड फॉट बैक। तो रिवाइवल तो पीपल्स पार्टी का ज़रूर होगा, बिकॉज पीपल्स पार्टी उन हकूकों पर और उन बातों की बात के ऊपर स्टैंड लेती है जो आम आदमी के हकूक हैं और बिलीव करती है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह से लोगों के साथ हाल है, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी, आपकी हर चीज़ तो जी वो कौड़ियों के दाम बिकने वाली है, तो इन सब चीज़ों पे, इश्यूज़ पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक स्टैंड लिया। तो देर इज़ अ रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ऑल द एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर यू फील दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, एंड पीपल्स पार्टी इज़ वर्किंग हार्ड। इंशाल्लाह आपको वहाँ की रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे। यू सीम टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, आई बिलीव इन पॉजिटिव because I'm basically a very positive person and I believe in working very hard. जो लोग hard work करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो रब्बुल आलमीन उनको उसका अजर ज़रूर देता है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग लीडरशिप सामने आ गई है और उसने रेंज उठा ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो फॉर फ्रंट में वो अपने आप को लेके आया है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, आई थिंक आई सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज। इंशाल्लाह मेरा रब उसको साथ देगा, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लीड करेगा, वो इस कौम को लीड करेगा और इस कौम का बहुत बड़ा वो सिपे सलार बनेगा। ये आप जो बात कह रही हैं, जो आप दुआएं मांग रही हैं बिलावल भुट्टो के लिए, ये 2018 के इलेक्शन में होता हुआ नज़र आता है? बिल्कुल, वाई नॉट, बिल्कुल नज़र आता है। वेयर डू यू सी बिलावल इन 2018? वेल, आई सी हिम इन फ्रंट, आई सी हिम लीडिंग द पार्टी, आई सी हिम लीडिंग दिस कंट्री, आई सी हिम बीइंग देयर इन द नेशनल असेंबली। अच्छा, ऑफ कोर्स आई सी हिम एवरीवेयर। अच्छा, ये फिर एक वो चल पड़ती है डिबेट के जी, ही कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। Why can't he take decisions on his own? I think he makes most of the decisions himself. You sure? Oh, positive. अच्छा जी, देखिए आजकल की जो यंगर जनरेशन है ना, हम जैसे लोग बूढ़े हो गए तो अक्सर बच्चे जो है ना, वो मैं अपने चले भाई, मैं अपने लिए कह देती हूँ, मैं अपने लिए कह देती हूँ कि अब हम देखें जी, हम जिस उम्र के वक्त में हैं, दर्ज में हैं, गुजर गया, नया वक्त है, नया दौर है। बिलावल अपने डिसीशंस खुद लेते हैं। यस, ही डज कंसल्ट हिज फादर, ही वुड कंसल्ट मी रिगार्डिंग समथिंग, बट ही मेक्स हिज ओन स्पीचेस, ही टॉक्स हिमसेल्फ, he makes his own decisions in the party and padha likha hai, padhe likhe log jo hote hain wo apni opinion, apni ideas samne leke aate hain aur maa baap ko majbooran haan karni padti hai har baat pe. meri to dil ki dua hai ki wo shaadi kar le, wo meri ek baat puri ho jaye to bahut badi baat ho jayegi. aap push kar rahi hai usko? ji bilkul, aap bilawal ko push kar rahi hai shaadi ka? bilkul ji, main to chahungi ki uski mashallah shaadi ho jaye. acha, बिकॉज मैं फुप्पी भी हूँ, उसके साथ सियासत में भी हूँ और माशाल्लाह आई प्रे इन माई हार्ट फॉर हिम ऑल द टाइम। अच्छा, क्या डिसीजन क्या है बिलावल का शादी पे? वो कहता है ठहरे आंटी, अब टाइम नहीं मुझे। ठहरे, कितना टाइम? देखिए वो टाइम मांगता है, हम उसको कहते हैं शादी कर। अच्छा, सो दीज आर यू नो
ये एक आपने एज अ फूफी उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के रखा? जी मैं बिल्कुल ढूंढती हूँ। तो वहाँ से जो आप चूज़ वहाँ आई थिंक नहीं, वो कहता है कि मैं अपनी बहनों से पहले कंसल्ट करूँ। अच्छा तो आपने ऑप्शंस दी है मिला? जी जी बिल्कुल ऑप्शन दो से कम है, अपनी बहनों से कंसल्ट है। इट्स व्हाट अबाउट द अदर टू किड्स? माशाल्लाह वेयर डू यू फोरसी इफ यू फोरसी देम लाइक इन द 2018 इलेक्शंस? देखिए जी चॉइसेस हैं उनकी अपनी हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी जो सियासत अपने वालिद साहब के साथ बैठती हैं, मेरे साथ भी आके मिलती हैं, डिस्कस करती हैं। I've heard that she's too good. She's माशाल्लाह very good. माशाल्लाह माशाल्लाह yes. She's very bright. She because औरत बद के नाते से बहुत चीज़ों पे वो sentimentally टच भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इश्यूज़ पे, औरतों के इश्यूज़ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं। जो औरतों के इश्यूज़ हैं इस वक्त सिंध में हमारे बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट पे बिल्स पास हुए हैं, जैसे वुमेन हरासमेंट है एट वर्क प्लेस, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर अर्ली चाइल्डहुड की रिस्ट्रेन है, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस, उस पर बहुत इंटरेस्टेड हैं। बहुत औरतों से उन्होंने बातें भी की हैं इस मामले पे, और उस पर रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं, हमारे रूल्स भी फ्रेम हो गए हैं उन पर। एंड दिस समथिंग दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ बीन ऑल अलॉन्ग डूइंग व्हेन विमेन इश्यूज आर कंसर्न्ड। फिर है जी हमारा आई थिंक पीपल्स पार्टी ने 2015 में बिल पास किया है ऑन माइनॉरिटी मैरिजेज ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की मैरिजेज रजिस्टर्ड नहीं होती थी, वो बिल पास किया है। सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द पार्टी जिसमें वो बहुत focused hai, she's very focused on this and she's very interested in this. 2018 ke elections mein aap unko bhi kisi assembly mein dekhti hain? Ji bilkul bilkul ji bilkul inshallah we will inshallah she would be acha I would hope so and I would want so that she comes into the party in the assemblies. Yes, in the assemblies. Yeah, so you see them coming in the assembly, like all three of them? Let's see. I mean, it's a Bill Awadh, of course, is going to be there, and he, mashallah, is going to be in the National Assembly. He will be there. He will lead the party, and inshallah, the other girls will also. Ji, bataye ki ye aap jo siyasat thi, jo aap jab Zardari sahab President House mein the, us waqt ye tha ki koi political victimization nahi hui. Theek hai. और हम लोग मीडिया में देखते थे कि हम लोग मीडिया में बैठते थे, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते थे पीपल्स पार्टी को, सिटिंग गवर्नमेंट को, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला होता था और वो बर्दाश्त भी करते थे। और आपके MNAs MPAs जो भी आते थे टीवी पे, उनको खुल के क्रिटिसाइज करते थे हम लोग, ठीक है, और वो सुनते भी थे जी। कोई ऐसा नहीं होता था कि वो सुल्तान राही बन जाए, वहाँ पर कोई सुल्तान राही भी नहीं बनता। हमारे यहाँ सुल्तान राही है ही नहीं। We don't believe in Sultan Rais. किस पे believe करते हैं? हम इंसानियत में बिलीव करते हैं, हम सर्विस में बिलीव करते हैं, हम आजिज़ी में बिलीव करते हैं। अच्छा। ये हमारा मजहब भी है और ये हमारा कल्चर भी है। We believe in आजिज़ी, we believe in giving, we believe in listening. देखिए ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है। आप हमारे वर्कर को बुला लें, वर्कर हमारे खड़े होंगे, वो हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, हम सुनते हैं उनके, हम कहते हैं नहीं बोलने दो। अक्सर ये होता है कि हमारे वर्कर मीटिंग्स में लोगों को हम बोलने की इजाज़त देते हैं, आप बोलें, आप कहें जो आप कहना चाहते हैं। हाँ गलत होंगे तो मैं ज़रूर टोकती हूँ, कहती हूँ कि गलत है। जैसे हाल ही में एक जी वो मैं खुद ही 2013 की बात है जी, डांट रही थी जी, वो मेरे डांट खैर मैं नहीं रही हूँ, मेरे इसलिए कि बहुत हुजूम था तो मुझे ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। मेरे वर्कर थे शहदादकोट कंबर के, जहाँ की मैं MNA हूँ, वहाँ के पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, वर्कर आए हुए थे, हमारी पार्टी मीटिंग थी। पार्टी मीटिंग में ग्रुप्स होते हैं बच्चों में, बच्चे थे, कोई यूथ के लड़के थे, कोई सपाफ के लड़के थे, मेरे लिए तो बच्चे हुए, मैं तो उनकी माँ हूँ। तो मैंने उनको डांटा कि बेटा नारे मार रहे थे, मैंने कहा बेटा नारा एक ही है और वो नारा है जिए भट्टो। हम पहले कहते हैं हम मुसलमान, पहले हम करते कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत में हम फ़ख्र इसको महसूस करते हैं कि हम मुस्लिम्स। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए और मुसलमान हुए, ये खुदा का बहुत बड़ा करम है हम पे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनने हमें मुसलमान बनवाया और अल्लाह दिखाया। उसके बाद हम अपनी पार्टी में यकीन करते हैं, ये एक हमारी पार्टी है, वी बिलीव इन दैट पार्टी। हमारा नारा है जो है वो जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर, ये हमारे नारे हैं। तीसरा भी था भुट्टो के लिए है, बीबी के लिए है,
only for BBQ, only for Bhutto. Nobody else. No personality counts except BB, Zulfikar Ali Bhutto or a Bilawal. हमारा और कोई नारा नहीं है. अगर आप किसी थर्ड पार्टी का नारा मारेंगे तो मैं एज अ वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोकूंगी कि मत करो, ये गलत है, इस तरह मत करो. ये हमारे को जेब नहीं देता, ये हमें जचता नहीं, तो हम मना करते हैं. और उसमें मैंने तंबी की अपने, जिस पे अगर आप गौर से वो वीडियो देखें तो पीछे से जो बैठे हुए लोग वो तालियां मार रहे हैं. वो पीछे से आधी दिखाई गई, आधी नहीं दिखाई गई. जी जी, वो दिखाई गई दिखाने के मकसद के लिए, बिकॉज और तो कुछ मिल नहीं रहा ना. देखे ना, आपने फरियाल तालपुर के लिए बहुत कुछ कर लिया, अदी को आपने बशरफ के टाइम में बहुत छान लिया, देख लिया, बहुत ढूंढ लिया कि कुछ निकल आए, कोई करप्शन ही निकल आए, कुछ तो निकल आए. जब मुशर्रफ के ज़माने में आपको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो फिर आ जाओ अब इस ज़माने में देख लो, अब कुछ निकल आए, कुछ नहीं निकला तो कभी पर्स ले ली. अच्छा, ये पर्स वाला क्या किस्सा था? मुझे जो समझ आती है, एक तो वो कोई हुकूमत का हेलीकॉप्टर नहीं था वैसे. जी नहीं, इट्स अ कमर्शियल. और दूसरा ये था कि वो स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स में थोड़ा सा गैप भी आ जाता है. सो मेरे ख्याल में वो आप चलांग तो लगा नहीं सकती थी. जी. तो वो आपने, आपके किसी ने बैग पकड़ लिया. जी. तो बैग तो आज नहीं लाई आप ना? नहीं, हुआ ये कि हम उतरे तो एक नीचे गहराई है. अब मैं 16 साल की बच्ची तो नहीं हूँ जिसने टेनिस शूज पहने हो और जीन्स पहनी हो और ठांक के मैं छलांग मारूं. मैंने अपना दुपट्टा भी संभालना है, मैंने नीचे भी उतरना है, उसके पंखे भी चल रहे हैं, उस पंखों से भी मुझे थोड़ी सी घबराहट होती, सामने लोग भी खड़े हैं रिसीव करने के लिए जो जिन की दावत थी. तो मैंने दरवाज़ा खुला है, मैं उसको नीचे देख रही हूँ. अब मैं नीचे जब उतरी तो किसी ने आके, और मैंने देखा भी नहीं कौन था, उसको मेरी पर्स में हाथ डाला कि अदी मैं ये होल्ड करता हूँ, आप नीचे उतर जाओ. तो मैंने उसका दरवाज़ा पकड़ा है और मैं जंप करने की कोशिश कर रही. बस अब जिस बेचारे ने वो पकड़ा बैग, उसकी तो हो गई, उसकी कहानियाँ बन गई, फसाना बन गया. ये तो फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है ना कि जी कुछ मिल नहीं रहा आपको, आपने बहुत ढूंढ लिया तो आप बैग लेके पकड़. और मुझे अफसोस इस बात का जरूर हुआ, दुख हुआ कि लेडी एंकर ने बैठ के इस पर प्रोग्राम किया और उस पर बातचीत की, उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ. ये हमारा कल्चर है, माँ को बहन को बड़ी इज्जत देते हैं हमारे मुल्क, तो अफसोस है मुझे उन पर, तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया. और अब भी कुछ मिला नहीं तो वो पुरानी एक वीडियो चला दी 2013 की इलेक्शंस की, कि भाई जाइए वो खड़ी हैं, देखें वो किस तरह बात करें, उस पर भी प्रोग्राम चल गए. हाँ हाँ, देखो जी भाई, अपने पार्टी के वर्करों से मुखातिब हो, तंबी कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि बेटा एक ही नारा है जिए भुट्टो का, दूसरे नारे मत लगाओ. इसमें क्या हो रहा है? करप्शन हो रही है, कोई मैं गलत बोल रही हूँ, कोई गलत डांट रही हूँ, और मैं उन सबकी माँ हूँ. मेरी उम्र अब क्या, कोई मैं बच्ची हूँ? क्या समझ रखा है सबने? अभी आपने कहा कि जनाब बिलावल जो है वो आपको नजर आते सर्दी में, और आसफा की मर्जी है वो आए सर्दी में ना आए, लेकिन लेकिन आप बिलावल को कुछ भी कह रही हैं कि यार शादी कर लो, ठीक है. फूफी आप कह रही हैं, आप उनको ऑप्शंस भी दे रहे हैं, वो कह रही है मैं अपने बहनों से पूछ के बताऊंगा एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं, इलेक्शन से पहले कुछ शादी करवा ली आपने बिलावल? देखिए जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नहीं, इस तरह ना करें. नहीं देखिए जी, अभी आप सरेंडर कर गई? नहीं, मैं सरेंडर नहीं, बिल्कुल जी, मैं उसके सामने हमेशा हर चीज़ में सरेंडर कर लेती हूँ, बिकॉज वो जो है ना मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, तो उसको देख के मुझे बीबी याद आ जाती है. एक तो उसके चेहरे में बीबी है, उसको आप देखेंगे तो बीबी है, जुल्फकार अली भुट्टो है, तो उसको चेहरे में देख के वो जो कहता है मैं तो मतलब बैक कर देती हूँ. वो मेरा लिए बच्चा, मेरा नेफ्यू भी है, मेरा खून है और मेरा लीडर भी है, तो मैं वैसे भी गिवन कर जाती हूँ उसकी हर बात को, गिवन करती हूँ. वो मेरी, वो कहते हैं ना आपकी कमज़ोरी ज़िंदगी में क्या है, आई थिंक मेरी वो कमज़ोरी है. और वो फैमिली भी फील करती है कि मेरे नाम से इसकी कमज़ोरी ये है, उसको देखती हूँ और बिल्कुल मैं खिल उठती हूँ उसको देख के. मुझे उसकी बातें, उसकी चेहरे की मुस्कराहट, उसकी हर चीज़ बड़ी प्यारी लगती है. अच्छा, सारी चीज़ें जो थी मोहतरमा जब जिंदा थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, तो उस वक्त उन्होंने आपको इलेक्शन लड़ने के लिए भी कहा, फिर उसके बाद आपको नाज़िम भी बनाया, सब कुछ किया. और देयर आर सो मेनी अदर ओकेजंस यहाँ पे, लेकिन अपनी जो उनकी बहनें थी उनको क्यों नहीं आगे लेके आई? जी बता नहीं मुझे, ये तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, उनकी अपनी मर्ज़ी थी.
मुझे इतना याद है कि बीबी ने मुझे बच्चों का गार्डियन बनाया और लिख के गई अपनी विल में भी और मुझे बताया भी और मेरे हस्बैंड को भी बताया, हम दोनों मियाँ बीबी को बताया कि मैं अपने बच्चों का गार्डियन आपकी वाइफ को कर रही हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उस वक्त तो मुझे समझ में बात नहीं आई ना, बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ सच थिंग्स हैपनिंग। तो मैंने हंस के कहा, बीबी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको हयाती दे, क्या बातें कर रही हो आप। हाँ बिल्कुल, आप चाहती हैं जैसा आप चाहती हैं करें, बिकॉज मुझे गार्डियन बनाए बच्चों, आई वुड लव टू बी द गार्डियन, आई लव टू, मेरी आँख के तारा, मेरा मतलब चिल्ड्रन आर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई नेफ्यू एंड नीसेस, मुझे बहुत प्यारे हैं। Relationship do you have with your brother? Asif My brother, I अब एक उस बहन से पूछे जिसका एक भाई हो। अब नहीं, वो भाई से मुझे समझ आ गई थी। हाँ भाई, भाई जब आप सोचे क्या होगी? जी, he is my mentor. अच्छा। He is my father. मेरे वालिद के बाद अगर मैंने कभी किसी की इज्जत की तो उनकी इज्जत की और हमेशा करती हूँ। अगर मुझे डांटते भी हैं तो डांट पड़ती है, बहुत बहुत डांट पड़ती है। अच्छा। बिल्कुल पड़ती है। अच्छा। जैसे बहनों को डांट पड़ती है भाइयों से। हाँ। बिल्कुल डांट पड़ती है, वो ज़रूर कहते हैं, अक्सर मेरे कपड़ों में ज़रूर कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं तुम्हें अच्छे, इससे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा। मैं कहती हूँ नहीं, मस्त हूँ ऐसे, ठीक हूँ, फ़कीरों को क्या, क्यों तंग करते हो, फ़कीर ऐसे ही अच्छे। अच्छा। चादर पहनती हूँ, चादर की बहुत लाइक मैं पसंद करती हूँ चादर की, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। और मैं इसलिए कि मैंने बहुत सारा वक्त रूरल एरिया में अपना गुजारा है, रूरल, तो वहाँ का रूरल टच मेरे में बहुत आ गया था। मुझे बड़ा पसंद है गांव की ज़िंदगी। मैं वहाँ 8 साल रही हूँ बाकायदा जाके, 8 साल क्या 12 साल रही हूँ उस रूरल बैकग्राउंड में जाके। बाकायदा रहना मतलब डिफेंस वेफेंस का घर छोड़ के जाके वहाँ रह जाना, बस जाना, तो मैं तो वहाँ बस गई थी ना जी, तो वहाँ का टच बहुत है मुझ में। मैं लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ, तो अक्सर डांट पड़ती है कपड़ों पे कि कपड़े और अच्छे पहना करो। मैं तो कहती हूँ जी ठीक है, मैंने ठीक तो पहने हैं। गवर्नमेंट आप बना लेंगे आइंदा इलेक्शंस के बाद, या इलेक्शन स्वीप कर सकेंगे, या अगर नहीं कर सकेंगे तो किस पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे आप? देखिए जी, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, इट्स गोइंग टू बी द डिसीजन ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी एंड आसिफ जरदारी एंड द चेयरमैन एंड को चेयरपर्सन। एंड ऑफकोर्स हमारी कंसल्टेशन पार्टी के साथ, पार्टी के और भी बहुत सीनियर लोग हैं उनके साथ होगी। यस, हम इलेक्शन में तो रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। पीपल्स पार्टी विल फील्ड इट्स कैंडिडेट, मे बी वी बिकम द ब्रेकर्स एंड मेकर्स। And बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। यस, आई एम। अच्छा जी। एंड इट विल, पीपल्स पार्टी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग इलेक्शंस। अच्छा। एग्जैक्टली, पीपल्स पार्टी बिकॉज इट्स गॉट इट्स ओन आइडियोलॉजी, इट्स ओन सिस्टम, एक वर्कर है, एक थॉट है, एक विजन है, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है जो इस मुल्क की ज़रूरत है। वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो है ना, वो इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। वो वक्त चले गए, वो तमाशे चले गए, वो अब लोग चाहते हैं डिलीवरेंस, काम चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं। वोट जो लोग देते हैं वो चाहते हैं कि हमारे काम हो, लोग बाहर निकलें, वर्कर्स निकलें, MNAs MPAs निकलें, नज़र आए फील्ड में। वो मैं इनकी पार्टी के लोगों को सिवाय टेलीविज़न पे बैठ के लोगों की नुक्ताचीनी करना और लोगों के ऊपर करप्शन के और हर किस्म के इल्ज़ाम लगाना, ये अलावा कुछ नहीं। कोई एंकर इनसे ये नहीं पूछता कि ठीक है जी आपने कह दिया फलाना बुरा फलाना बुरा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कितना अवेलेबल हो, आप कितना टाइम दे रहे हो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आप क्या लाए हो, आप पैकेज क्या दे रहे हो लोगों को, कोई चीज़ आप ऐलान कर रहे हैं किसी चीज़ का? ये बड़ी अफसोसनाक बात है इस मुल्क के साथ। अच्छा, एक और बड़ा मुझे नहीं समझ आ रही, how do you manage all these things, कि जब जरदारी साहब हुकूमत में थे तो 5 साल पूरे किए उन्होंने माशाल्लाह, और कोई फ़ौज के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मियाँ साहब आते हैं तो मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव का उसका राइट है, वो एक आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ खुद अपॉइंट भी कर सकता है, निकाल भी सकता है,
लेकिन वहाँ पे एक यू नो एक कशमकश शुरू हो जाती है, एक टेंशन शुरू हो जाती है. व्हाई इज इट सो? और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हो जाती है. आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए हमारा हमारी प्लस हमारी जो सोच है ना. लड़ते क्यों नहीं आप? क्यों लड़े? हम देखिए एक तो फौज एक इंस्टीट्यूशन है. लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स टुडे गेट सम फैक्ट्स. इट्स एन इंस्टीट्यूशन. फौज कहाँ की है? आपके मुल्क की है ना. उनमें लोग कौन है? आपके पाकिस्तानी हैं, आप ही के लोग हैं. अब फौज को आप बुरा भला क्यों कहोगे? फौज आपकी फौज है, उसको भी ओनरशिप चाहिए. उनको आपने ओन करना है, उनको आपने रिस्पेक्ट देनी है. और फौज के जो के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, मिलिट्री एंड सिविलियन रिलेशनशिप विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद फौज शुड बी अ वर्किंग रिलेशनशिप. शुड बी नॉट बी अ रिलेशनशिप जहाँ आप मैं जी मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं यूँ नहीं करूँगा. जायज़ बात है आप मनवा लें, उनकी मान लें. आपकी जायज़ बात है आप अपनी बात मनवा लें. दे शुड बी अ कॉन्वर्सेशन, अ रिलेशनशिप. अफसोस है हमारे मुल्क में वो रिलेशनशिप जो है ना वो लैक करती है. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो जी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मैं इस यहाँ पे कोई वाइंड अप नहीं करना चाह रहा जी. आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा ओवर हियर. आई लीव द रेस्ट टू यू फिलहाल.